हमारी नियत काम करने की थी, हमने काम किया है, काम करने की है, हम काम करेंगे और काम करने की रहेगी और काम करते रहेंगे। बहुत सारे नौजवान है ये पैसों की सियासत, आप लोगों को पैसे भी दिखा रहे हैं, आप उनकी कम्युनिटी के सदरों को भी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, और वोट जो हमारा निशान है वो ढोल है, और ऐसा ढोल बजेगा ना कि बिहारी के अंदर जितने मुफाद पर ढोले हैं ना ढोल के अंदर डाल के इनको बजाएंगे और ढोल पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वोट दो सोचकर। मैं हूं आपकी होस्ट नूर जबीन। नाजरीन, आज हम एक ऐसे नुमाइंदे के साथ मौजूद हैं जो के कच्छी सुमरा जमात के सदर और सुमरा फेडरेशन के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ पीटीआई ने इनको हल्का 106 की टिकट भी दे रखी है, जिनका नाम सज्जाद अली सुमरो है। सर, आप हमें ये बताइएगा कि आपने अपनी जमात की खिदमात सरंजाम देने के बाद अब लियारी के लोगों की खिदमात सरंजाम देने के लिए कैसे सोच लिया? बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो मैं पलक न्यूज़ वालों का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने जो है आपसे शुक्रिया। देखिए, पिछले जितने भी मामला थे आप लोग सारे मेरे प्रोग्राम्स वगैरह में आते रहे, तो सारे आपने कवर भी किए, तो वो एक जो है हमारी कमेटी के हिसाब से था। अब ये जो है वो एक सियासी तौर पे जो है मैंने इनिशिएटिव कर लिया है। देखिए, एक चीज़ हम बार बार रिपीट कर करके मतलब लोगों को भी इस मामले में सोचना चाहिए। अब एक इलेक्शन का टाइम है, तो सारे तो इलेक्शन के टाइम होते तो सारे बरसाती बंदे बाहर निकलते, सारे मामला होते वही घिसे पिटे हुए, जो ना लोग वापस अपना चेहरा दिखाते, वही वादे वही नारे। तो अब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक लियारी की जो हमारी सियासत में उतनी डिफरेंट क्यों है, क्यों अभी तक लियारी वालों को उनके बुनियादी मसाइल तक बाहर नहीं निकलने दिया गया? आप किसी और इलाके के अंदर भी आप डेफिनेटली गई होगी, आपने सबके एंट्री लिस्ट होंगे, लेकिन आप जब लियारी के इलाके के अंदर जब आप जाती हैं तो आप गलियों की हालत देख लें, आप रोड की हालत देख लें, इवन आप वहाँ पर जो बिल्डिंग्स जो बनी हुई हैं, जो वहाँ पर जिस तरीके से जो बिल्डर माफिया ने वहाँ पर जो मामला किए हैं, वही छोटी छोटी नालियाँ और ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती गई, तो फिर सारा जो दबाव है वो कहाँ पर आएगा? आगे जो है हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो आप लोगों को पता है, उसको अल्लाह माफ करे हालात भी कैसे आ रही आपने, तो ऐसी बहुत सारे मामला थे लियारी की अंदर ना घुसने की जो आपने वादा की कि आप क्यों उस तरीके से लियारी के अंदर, तो क्योंकि लियारी के अंदर हमारी सारी कच्ची कम्युनिटी, हमारी बलोच कम्युनिटी, हमारी मियाँ वाली कम्युनिटी, मेमन कम्युनिटी, पठान कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, एक्सपर्ट मैं बात करूँगा कि लियारी के अंदर इंसान बसते हैं। मगरब के साथ आज तक लियारी वालों को इंसान नहीं समझा गया, लियारी वालों को इंसान तब समझा जाता है कि जब आपको उनके वोट की जरूरत हो। क्या कोई ऐसा नुमाइंदा मेरे अलावा, हमारे पीटीआई के अलावा मुझे बताएं कि जिसने वहाँ पर कहा हो कि यार आप अगले 5 साल जो है हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए आप क्या काम करेंगे, या आप हमारी बच्चियों के लिए, आपको पता है लियारी में कितना टैलेंट है? मेरी तो कम्युनिटी में बस्ती 3 कम्युनिटी का मैं वहाँ पर चेयरमैन हूँ, इसके अलावा जितनी हमारी और अच्छी कम्युनिटी है, मियाँ वाली कम्युनिटी है, पंजाबी कम्युनिटी, सबके साथ मेरे रबते हैं, तो कितना ज़्यादा लियारी के अंदर टैलेंट है अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर कर दीजिए। लेकिन आज तक जब मेरा भी आपके चैनल की तरफ से सवाल है, उस टैलेंट को ज़ाया क्यों किया गया? बेचारे दर्द की ठोकरें खाते फिरते हैं यार, हमारी जो ना बॉक्सिंग के लिए, हमारे फुटबॉल के लिए कुछ फंड्स कर दें, हमारी नीयत काम करने की थी, हमने काम किया है, काम करने की है, हम काम करेंगे और काम करने की रहेगी और काम करते रहेंगे। हमारे साथ बहुत सारे नौजवान है ये पैसों की सियासत, आप लोगों को पैसे भी दिखा रहे हैं, आप उनकी कम्युनिटी के सदरों को भी आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका सब माल खाएंगे, सब करेंगे, वोट वो पीटीआई को देंगे, और वोट जो हमारा निशान है वो ढोल है, और ऐसा ढोल बजेगा ना कि बिहारी के अंदर जितने मुफाद पर ढोले हैं ना ढोल के अंदर ढाल के इनको बजाएंगे और ढोल पाड़ेंगे। सर, आप पहली बार सियासत में आए हैं, तो अगर आप मुंतखब होते हैं तो लियारी के आवाम के लिए आपने क्या सोचा है? हमारा सबसे पहले जो मिनिस्ट्री का पता लेंगे ना, तो वो हम स्टेडियम करेंगे तालीम और सेहत के जुड़ा हिसाब से, ये बिजली वो भी है, लेकिन जो आपको मेन फोकस बुनियादी चीज़ है उस पर तो कोई आपको बता नहीं रहा है, आपको सब ये बिजली और उसी में जाकर रखा है। क्यों? जब आपके बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे तो आपके बच्चे इन पर सवाल करेंगे, इसी वजह से जो है ये लियारी के अंदर तालीम के मामला इशू जो चल रहे हैं, ये सारे मामला इनके ही खड़े हैं, कोई बच्चा हमारे सामने आके खड़ा ना हो जाए। आपकी रिहाइश क्या है और आप कहाँ आके सियासत करते हैं, अपने मफाद पूरे करके फिर आप निकल जाते हैं? हम जीतेंगे इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, आपके वोटों से, और उसके बाद जो आपको लियारी के अंदर जो तब्दीली नजर आएगी ना, जो हमने
पंजाब के अंदर और जो हमने सिंध पिशावर के अंदर जो तब्दीली की, देखिए सबसे मेन चीज एक आखिरी बात है, सेहत कार्ड का आपने देखा, सेहत कार्ड वो क्यों सिंध के अंदर सेहत कार्ड प्रोवाइड किए, क्योंकि यह 32 को भी हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई, क्यों सेहत कार्ड का अगर आपको पूछना है तो आप जाए खैबर पख्तूनख्वा में, आप जाए पंजाब के अंदर 10 लाख रुपए की सहूलत मुयसर आपके सेहत कार्ड के अंदर, किसी को शुगर का मसला है, किसी को ब्लड प्रेशर का मसला है, किसी को आपका जो है ब्लड कैंसर है, किसी को कैंसर है, किसी को गुर्दे खत्म होगा, एक सुबह मैं बात करूंगा जितनी भी बीमारी है उसके ऊपर, तो हॉस्पिटल तक जाते हैं तो उस हेल्थ कार्ड के ऊपर उसका इलाज किया जाता है। यहाँ की तरह नहीं है कि पहले हम अपने लोगों का इलाज करें फिर इसके बाद लाइन में जो लगे हुए होते हैं अल्लाह माफ़ करे हॉस्पिटल के बाहर भी होते हैं, बजट आप शो करते करोड़ों रुपए का बजट लेकिन लगता क्या है उसका 10% नहीं लगता। यहाँ तो आपने शो किया हुआ है कि मीरपुर खास में बहुत बड़ी जेल है, उसका सालों का अरबों रुपये जाता है लेकिन वो एग्जिट ही नहीं करती, तो इस तरीके से तो पता नहीं पूरे सिंध के अंदर आप लोगों ने किस तरीके की तबाहियाँ मचाई हैं। तो बहरहाल सिंध वालों से स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है, ना सिर्फ मियारी पूरे सिंध के, आप पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदगान को आप जो है मजबूत करें, उनको जितवाएं, ये मेरा आपसे वादा है कि जो पंजाब में और जो खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान ने काम किया ना वो सारे इक्विपमेंट आप तक पहुँचेंगे, स्पेशली हेल्थ कार्ड, ये जो हेल्थ कार्ड का मामला अगर सिंध में एक बार आ गया ना तो ये हमारे जितने लोग ना जो जिनकों ने कठोरा हाथ में देखे अपने पीछे लड़ाए हैं, मैं वादा करता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने हेल्थ कार्ड से, ना सिर्फ हेल्थ कार्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने जितनी भी इन्होंने प्लानिंग स्कीम है ना तो ये सिंध की एक के घर तक पहुँचेगा और सिंध की आवाम के अंदर शऊर आ चुका है पहले के मुकाबले में ज़्यादा, और इस इलेक्शन के अंदर आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ग्राउंड में किस तरीके से कैसे करेगा।